हाँ दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो नवरात्र व्रत शुरू हो चुके हैं, चैत्र नवरात्र है। तो नवरात्र में काफ़ी लोग अदरक का प्रयोग करते हैं चाय के अंदर। चाय पीने में अदरक का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाता है। जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर, आप जैसे जो लोग व्रत में चाय पीते हैं उनको अदरक की चाय आप बनाकर पी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को यह संशय रहता है कि अदरक की चाय हम पिए या नहीं पिए। काफ़ी लोग जैसे टमाटर नहीं खाते व्रत और उपवास में। जो लोग व्रत और उपवास करते हैं उनको कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना होता है। खास तौर पर जिन नियमों से सबसे ज़्यादा हमें व्रत और उपवास में ध्यान रखना होता है। और चाय एक ऐसी चीज़ है, चाय के बिना कोई भी नहीं रह सकता है। अधिकतर लोग चाय का सेवन करते हैं। जो लोग चाय का सेवन करते हैं उनको अदरक का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह खास तौर पे खास बात बताई गई है। तो जो लोग नवरात्र व्रत कर रहे हैं उनको व्रत के दौरान अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं। और यह बहुत ही ज़्यादा, मतलब अदरक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ जो लोग नवरात्र व्रत करते हैं उनके लिए यह खास तौर पे माना गया है कि वह व्रत के दौरान अदरक की चाय का प्रयोग कर सकते हैं। चाय सभी लोग पीते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं उनको सुबह उठते पहले चाय चाहिए काफ़ी लोगों को, और चाय के साथ ही इन खास नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। और इस बार चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि इस साल 2023 में 22 मार्च से शुरू हो गए हैं। तो हरे कृष्णा।